जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 लाल गुलाम सिंधी आगे बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं लाल गुलाम सिंधी आगे बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान हितों की आवाज उठाने वाले गुरनाम सिंह चडूनी ने राजनीतिक दंगल में कदम रख दिया है। संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन कर उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की घोषणा कर दी है। साथ ही सड़क से सदन तक किसानों की लड़ाई लड़ने का भी दावा गुरनाम चडूनी ने किया है। इस संदर्भ में आज कैथल के नीम साहिब गुरुद्वारा में उन्होंने पत्रकार वार्ता की। यहाँ गुरनाम चडूनी ने 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर गठबंधन इनेलो के साथ हुआ था। जजपा या भाजपा से उनकी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक दल या तो चौधर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर पैसा कमाने के लिए। राजनीतिक दल कारपोरेट जगत के हाथों की कठपुतलियां बन चुके हैं, इसलिए ही इस राजनीतिक दल का गठन किया गया है। ये दल आम जनता की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगा, भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी को लेकर जाएंगे। जनता की लड़ाई लड़ने वाले लोगों से आह्वान है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी के साथ जुड़कर देश हित की लड़ाई में योगदान दें। उन्होंने कहा कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। सर, आज नीम साहिब गुरुद्वारा में जो मीटिंग रखी गई थी, क्या विषय था और जिसको लेकर आज पूरा का पूरा एक बड़ा काफिला आपके साथ खड़ा नजर आ रहा है? देखिए, ये मीटिंग हम सभी जिलों में कर रहे हैं, कल से शुरू की है और संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है और संयुक्त संघर्ष पार्टी की आज ये मीटिंग रखी है। और जो देश की राजनीति है, जिसने गरीब को और गरीब कर दिया, अमीर को और अमीर कर दिया, पूरे देश का रोजगार खत्म हो गया, पूरे देश की संपत्ति कारपोरेट को बेच डाली, पूरे देश का जो किसान है वो कंगाली के कगार पे आ गया, 33 किसान रोजाना सुसाइड करते हैं, आज 23 करोड़ लोग भारत में भुखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं, 80 करोड़ लोग सरकार के रेमो कर्म पे जिंदा हैं, आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति हो गई है। ये अव्यवस्था देश के अंदर जो हुई है, इसकी दोषी हमारी राजनीति है और उस राजनीति को शुद्ध करने के लिए हमने प्रयास शुरू किए हैं। सड़कों की लड़ाई पिछले 32 साल से हम लड़ रहे हैं, बहुत बार मुकदमे झेले, जेल गए, डंडे खाए, लेकिन जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार कर नहीं पाए। इसलिए अब ये फैसला किया है कि राजनीतिक माध्यम से ये सुधार हो सकता है, तो अच्छे लोगों को राजनीति में एंट्री कराने के लिए जो है ये पार्टी बनाई है। और उसी पार्टी के का जो आज यहाँ पे मीटिंग थी और उसके लिए आगे काम जो है, जो आने वाला चुनाव है उसमें पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा जाए। पार्टी का क्या नाम है, किन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाए? देखिए, संयुक्त संघर्ष पार्टी का हमने नाम रखा है और जो मुद्दे हैं उनमें, उन मुद्दों में जो है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो गरीबों के मुद्दे हैं, वो हमने लिए हैं। जैसे कोई गरीब है, उसको 200 गज का प्लाट और 2 उसमें रूम बना के वो प्लाट उसको दिया जाएगा। जो बेरोजगार हैं उनको अपना रोजगार करने के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट यानी कि फ्री दिया जाएगा, ताकि बेरोजगार बाहर को ना भागे, यहीं कारोबार करें। जो किसान हैं उनको 12,000 रुपये पर एकड़ दिया जाएगा, तेलंगाना की तर्ज पे वो अपनी खेती करें, उनको कर्जा ना उठाना पड़े खेती के लिए। खेती को और सस्ता करने के लिए जो गांवों के अंदर है वो सोसाइटियां बनाई जाएंगी, टोटल कृषि यंत्र उस सोसाइटियों में होंगे, किसान को अपना अपना ट्रैक्टर, अपना अपना जो है वो सामान ना बनाना पड़े, वो जो बहुत महंगा पड़ता है, जिसका डेप्रिसिएशन ब्याज वही किसान को बहुत महंगा पड़ जाता है, तो सोसाइटियाँ बना के सारा कृषि यंत्र जो है वो सरकार की तरफ से उनमें दिए जाएंगे। और जो बरसाती पानी है, अभी पिछले साल बाढ़ आई, 7 जिले हरियाणा के डूबे, जो बरसाती नदियां हैं उनको गहरा करके उनके किनारे सीमेंटेड करेंगे पक्के और तालाब बना के उसी पानी को जमा करेंगे, ताकि ज़मीन का पानी बचाया जा सके और उसी पानी से खेती हो। तो ये सभी मुद्दे हम लेंगे। और जैसे बीमा है वो सरकार करेगी, अपने खर्चे पर करेगी, सरकारी कंपनियाँ उसके बनाई जाएंगी। और जो मनरेगा है, मनरेगा वालों को 200 दिन का रोजगार और 500 रुपये कम से कम मजदूरी, सरकारी नौकरियों में ठेका प्रथा बंद और कम से कम 25,000 रुपये उनकी तनख्वाह,
तो ये सारे काम जो है जो जनता के पक्ष के हैं वो हम करेंगे। बीते दिनों लोकसभा चुनाव में आपने इनेलो का साथ दिया था, तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है अकेले अपने बलबूते पर लड़ेंगे या किसी सहयोगी पार्टी? देखिए, जो इनेलो का साथ दिया था वो अकेले कुरुक्षेत्र सीट पे दिया था, और आगे अभी हमने कल से काम शुरू किया है। अभी 10 दिन 15 दिन हम फील्ड में जाएंगे, लोग कितने जुड़ते हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, उसके हिसाब से ही आगे जो है वो समझौता और करना ना करना उसका फैसला लेंगे। किस पार्टी से करना ये भी थोड़ा 10 दिन ठहर का फैसला लेंगे, लेकिन विकल्प हमारे खुले रहेंगे बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के।